दरार आ गया था तो इसलिए इसको फिनिशिंग कर रहे हैं। और हमारा जो पणकिया है वो अभी तल रही है काजल। बाप रे पसीना पसीना हो गया कुतुल। बाप रे बाप रे, ननद के लिए इतना मेहनत। तो फ्रेंड इसमें मैं सारा पकवान और कपड़ा वगैरह पैक कर दी हूँ। हम लाइट नहीं जलाएंगे दोस्तों, को डर लगता है और सारे लोग जा रहे हैं तो चलो। फ्रेंड्स अभी दोनों भांजी रेडी हो गए, आप लोग बताना कैसी लग रही है। ज्यादा धूप में भी एकदम बारीकी से काम करती है काजल। ये पादी भाई तो हम फेंक लेंगे तब ले रहो फेंकी। हेलो दोस्तों, मैं मिथुन और मैं काजल और आप सभी का स्वागत है एक और न्यू प्यारा सा ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग हम थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट ब्लॉग है लेकिन ब्लॉग मतलब कि हमारा कंटिन्यू है बट स्टार्टिंग बाद में कर रहे हैं। और अभी ना हम लोग जैसे कि दीदी को आज विदा करने वाले हैं और इस ब्लॉग में बस कुछ बताएंगे नहीं, बस बाकी आप लोग देखिए काफी इंटरेस्टिंग होगा और लास्ट तक बने रहिएगा इस ब्लॉग के, है ना। बने रहने के लिए तहे दिल से आप लोग धन्यवाद। तो चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड आज हमारे द्वार पर कितने दिन आज फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं केला सेब वाला आए हैं तो मानसिक लिए ले लेते हैं। केला थोड़ा सा 20 रुपया का बहुत महंगा है ना, इसलिए हो जाएगा 20 रुपये का तोर का महंगा तो ले रहे हैं। ये पपीता ठीक लगे कर दिया वा देख रहे हैं हमको ठीक नहीं लगता इसलिए नहीं लेंगे मानसी आगे। और केला नहीं लेंगे, हमको सर्दी वगैरह हुआ है सबको तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। फ्रेंड मानसी ना केला के लिए गुस्सा हुई है, 25 रुपया का अच्छा ही केला ले लो। बनाना देखो देखो बनाना कहती है केला को बनाना। और बाकी कैसे लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं सो गया था जस्ट और करीब 2:30 बज रहे हैं और अभी मैं फावड़ा लेके आया हूँ कुछ काम है बताते हैं। और अभी हम दोनों मिलकर करेंगे ये क्या बेटा ना कहीं जाना नहीं है बेटा पैंट पहनने के लिए। और हम लोग ना ये जो यहाँ से मिट्टी जो सब निकल गया है ना ये नीचे वाला उधर तक है तो इसको फिनिश करेंगे आज ना कहा। हाँ क्योंकि आप लोगों को कुछ सरप्राइज देना है दीवार पे कुछ बना। हाँ तो इसलिए इसको हम आज थोड़ा सा इसका काम है जो कर दे रहे हैं फिनिश। और बाकी अभी मानसी खाना खा रही है और काजल तीनों बच्चे को खाना खिला रहे हैं एक करके। एक इधर देखो हेलो ये सोच में पड़ जाती है कि क्या हो रहा है। एक भांजी इधर है, तीनों मतलब तीनों दो भांजी और एक मानसी और एक काजल तीनों लोग खाना खा रहे हैं। काजल नहीं खा रही है मतलब। और ना आज दीदी जाने वाली हैं अपने घर, यानी दीदी आज ससुरा जाएंगी तो उनके लिए कुछ बनाने वाली है काजल। सो आपको रेसिपी दिखाएगी और बहुत ही अच्छा लगेगा ये ब्लॉग आपको। तो आप लोग प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा, है ना काजल। और अभी चलिए उसका सामान भी लाना है, उससे पहले पहले अपना काम फटाफट से निकाल लेते हैं फिर चलते हैं इस्तेमाल लेने, है ना काजल। तो यहाँ पे ना इतना ज़्यादा धूप हो रहा है क्या बताएं। और काजल इधर अपना सब्जी वब्जी का वो कर रही है, सफाई कर रही है। मिट्टी इसके और डालें दोस्तों, एकदम इसका जड़ में हवा में झूल रहा है। मिट्टी डालने से क्या, मिट्टी तो अपने आप पकड़ लेगा ना, एकदम पूरा दिख रहा है इसलिए छोटे छोटे में एक कद्दू मेरा बतिया पकड़ने लगा। बतिया पकड़ने लगा जड़ पे रहता ना तो और बड़ा होता। फ्रेंड अभी इतना धूप है ना कि हम क्या बताएं, बहुत ज्यादा धूप है। और शाम को ले जाना है छोड़ने दीदी को, ऐसे बढ़िया ढेपा दी भाई तो हम ही फेंक लेंगे तब ले रहो फेंकी। ढेपा हाँ बड़ा बड़ा हाँ हाँ वैसे यार लाके यहाँ रख लीजिए ठीक है ना, हम फेंक लेंगे। चलिए सारा फेंक लेते हैं। अभी काजल उधर मिट्टी डाल रही है एक वो ढेपा बोल सकते हैं, ढेला बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चेका, मिट्टी का बड़ा बड़ा वो उठा के ला के वहाँ रख रही है। और अभी मैं ये लाया हूँ, इसमें थोड़ा मिट्टी फुलाना है हमें क्योंकि ना ये थोड़ा नीचे वाला अच्छा नहीं दिख रहा। इसको करने के बाद से बहुत सी अच्छी आपको सरप्राइज देने वाले हैं। गर्मी इतना है क्या बताएं, सभी लोगों का हालत ख़राब, धूप बहुत ज़्यादा है ना। इनसे सूज लेकर पता नहीं कहाँ डोल रही है। सूज क्या होगा बेटा, क्या करोगी, कहाँ जाना है। ज़्यादा धूप में भी एकदम बारीकी से काम करती है काजल। तारीफ करो तो मेरा बुराई करने लगती है, कुछ ना बोलो तो हम बुरे ही हैं, क्या किया जाए भाई, सबका यही हाल है।
हाँ हाँ अब देखो अभी इधर से एक उठा के ले जाकर ढूंढ दे पट के उधर। अरे बेटा बोलो एक बार गुड मॉर्निंग। ये चप्पल लेके पता नहीं कहाँ जाने के लिए बैठी है। तो फ्रेंड उधर मैं कद्दू को अच्छे से ढक दी हूँ, देख सकते आप लोग। और इधर मानसी के पापा मिट्टी को मिला रहे हैं, ला के पानी वानी दिला के दे दिए हैं। ऐसा ऐसा फुलाई थी तो वही है बहुत टाइम। उसको पहले 10 मिनट फुलाना चाहिए। चलिए 10 मिनट में फूलता है, तब तक इधर मानसी खेल रही है। तब तक दीवार को और अच्छे से पानी दे दे। दीवार को हमारे ख्याल से आप नहीं दिए, छत पर दे दिए, टीम पर ऊपर से पानी। तो ऊपर दीवार पर पानी थोड़ा नीचे में दिया ना, थोड़ा थोड़ा इसमें दिया आएगा कि पकड़ लेगा। इसी में से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर लेंगे, ये पानी ऊपर नहीं है। चलिए कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखो अभी मानसी बोल रही है पापा हम धो लो। पापा क्यों क्यों पापा हम धोएंगे? इधर देखो दोस्तों को देखो, देखो मैं गुस्सा हुई है। आओ चलो बाहर। पापा हम नहीं धो रहे, हम में लग गया है। बाप रे बाप। पेंटर से ऊंच खाल पेंटर से उसे कहा फ्रेंड्स। जो दीवार में जैसे कि फर्स्ट टाइम हम लोग मिट्टी ले रहे थे ना, तो उसमें सूखा था तो ये दरार आ गया था, तो इसलिए इसको फिनिशिंग कर रहे हैं, इस पर फिर से पोताई कर रहे हैं ताकि दीवार जो छोटा छोटा था दरार वो भर जाएगा, है ना। और उसके बाद से इसका जो है वो तो आपको दिखेगा, दिखाएंगे क्या करने वाले हैं इसके। और तो अभी इसमें दो आदमी काम नहीं है, इसलिए कादर कर रहे हैं। आप लोग कमेंट मत कीजिएगा, जल्दी जल्दी करें तो ना हो जाए। लेकिन कर ही तो बस थोड़ा सा है, कर लेंगे। फ्रेंड्स इधर का हो गया कंप्लीट, और इधर करने वाली है काजल। ये थोड़ा सा बचा है, इसको करके फिनिश, उसके बाद से इसको सूखने के लिए पूरी रात और छोड़ देंगे। दिन तो बचा नहीं है, कल ही करना ऐसा है ना, तो सूख जाएगा मेरे ख्याल से। ये सुबह ही करना चाहिए था हमें, है ना। तो अभी हमारा घर फाइनली फिनिश हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं जो हम किए थे। काजल ये बोरी उठा के इधर कर देते हैं, और कूलर को भी थोड़ा पोंछा मार देते हैं इस पर। तो फ्रेंड अभी कूलर के पानी मानसी पापा साफ कर गए थे, इतने करके बस ऐसे ऐसे पोताई कर दिए जहाँ जहाँ दिख रहा था। अभी भी हमको अच्छा से नहीं लग रहा था, से हुआ है फिर भी क्या करें। अभी तो ऐसे ही हमारी तबीयत से नहीं चल रहा, वैसे में कर दिए क्योंकि टाइम भी नहीं है ज़्यादा हमारे पास। बाद में भले उसको और अच्छे से करेंगे। और अभी पानी वाली निकाल ले थोड़ा, कूलर को हम लोग सफाई कर ले क्योंकि छिक छिक बहुत ज़्यादा हो रहा था ना, इसलिए। फ्रेंड ये वाला पानी हम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ मैं जो बनाई थी ना कद्दू पर डाल देंगे, आराम से सब माटियाँ दह गई। दह गया देखो दोस्तों सारा माटी मेरा, आराम से डालते उसको अच्छे से। तो बूंदे बूंदे थोड़ा ना पड़ता बाल्टी से डाल रहे तो। चलिए बूंदे बूंदे में फिर और मिट्टी लगा कर डालूंगी। फ्रेंड्स अभी काजल बैठी है, मैंने पानी सारा निकाल दिया है, अभी काजल इसको सफाई करेगी, अंदर से मिट्टी सारा निकालेगी। एक्चुअली रोड पे है ना तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सोखता है इधर से, हवा भी तो बाहर से ही फेंकता है, इसलिए सारा मिट्टी धूल सब यहीं आ रहा है। क्या कर रही हो? अरे ये जीप गाड़ी। तो चलिए फटाफट से अपने कूलर को साफ करते हैं। फ्रेंड्स रात को ना एकदम से कमेंट आने लगा मेरे पे, करीब 9:30 बजे रात को, कि आप लोग राखी खोल के फेंक दो, प्रॉब्लम हो रही है, कितने लोग को डेथ कर गए, ऐसे कुछ कमेंट भी आ रहे थे। और मेरी मम्मी भी कॉल की थी, और कई सारे पूरे मेरे गांव में भी हल्ला है, सभी लोग खोल के फेंक दिए थे, हम भी खोल दिए थे, और कई जगह से फ़ोन आ रहा था, और कमेंट में भी आप लोग कह रहे थे रियल है या फिर झूठ है या अफवाह है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर कोई ऐसे में मान चलो कि हम राखी बांधे, हमारा एक्सीडेंट भी हो गया था, इसका इल्ज़ाम राखी पर तो नहीं लगा सकते ना, इस हिसाब से तो ये फेक ही होगा। बट कैसे ये रियल है ये मुझे पता नहीं, बट हम भी खोल के फेंक दिए थे, जैसे जैसे सभी लोग किए थे वैसे हम भी किए थे। बाकी आप सब कमेंट कीजिएगा कि क्या था ये हर साल हो ही जाता है कुछ ना कुछ। फ्रेंड्स अब ना कूलर को हम लोग नीचे एक एक ईंट और लगा दिया, तो इधर से पूल बिल्कुल पैक हो गया, अब थोड़ा पानी जाने संभावना कम रहेगा। आए थे हम लोग चीनी मैदा आटा, और इसका ना सूजी भी लाए हैं, इसका हम लोग बनाने वाले हैं पणकिया, है ना काजल? पणकिया फर्स्ट काजल के हाथ से देखेंगे आप लोग, है ना, कि पहले बनाए हो? नहीं बनाए, हाँ तो अभी बना रहे हैं दीदी को ले जाने के लिए। कुछ ना कुछ पहले चाल लेते हैं, कुछ ना कुछ दिया जाता है ना उपहार के तौर पे गांव में, तो हमें पणकिया इसलिए बना रहे क्योंकि मैं भी मेरे को भी खाए हुए काफ़ी दिन हो गया। फ्रेंड्स अभी ना सूजी को काजल ने भूज दिया है,
और इधर आटा गूंद रही है। मैदा मिक्स की हो, थोड़ा सा मैदा मिक्स किया है, बाकी रिफाइंड में मिक्स करेगा ना। तो फ्रेंड इधर मैं आटा और मैदा दोनों मिक्स करके सान ली हूँ, और इधर सूजी चीनी मिक्स कर ली हूँ, और इसमें नारियल थोड़ा सा काट ली, और मानसी उधर नहा रही है ना इसलिए रो रही है। तो फ्रेंड्स अभी देखिए क्या क्या बन गया, कैसे बन रहा है लिट्टी जैसे, इसको इसमें हूर रहे हैं नारियल और हूर रहे हैं नारियल और चीनी और सूजी, और हूर के इसको ऐसे बना दे रहे हैं पड़ के। चीनी कुछ ज्यादा ना हो गई तो ऐसे तो पाक बन जाएगा, उसमें तो अच्छा लगेगा एकदम काट कर। और ये दिखा रहे हैं आपको कैसे बनता है। इसका एक और उपाय है, इसको ना मशीन से भी बनाया जाता है, मशीन नहीं एक छोटा सा प्लास्टिक आता है वो उसका डिजाइन बनाने वाला, उसमें भी काफी हैवी होता है ना, बट हम हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं। बट काजल अभी हाथ से ही बना रही है और काफी अच्छा ही हो रहा है, अभी देखेंगे खाने के बाद पता चलेगा। तेल हमारा गर्म हो चुका है, रिफाइंड है ना, और ये देखो ये यही भरा जा रहा है उसमें गढ़ी और ये आटा। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये काजल ने बना के भेजी, अभी बाहर हम लोग बैठे हुए हैं, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं, काफी यम्मी हुआ। और हमारा जो पणकिया है वो अभी तल रही है काजल, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, उधर थोड़ा सा निकाली भी और अभी एक मेरे को दी भी, तो चलिए खाते हैं। बाप रे पसीना पसीना हो गया ये कुतुल, बाप रे बाप रे, ननद के लिए इतना मेहनत जल्दी बना रहे, शाम होते जा रहा है ना, जाना भी है। फ्रेंड्स अभी दोनों भांजी रेडी हो गई, आप लोग बताना कैसी लग रही है, बोलो बोलो थैंक यू। मानसी बोलती है, मानसी बोलो थैंक यू। तो चलिए अभी ले जाएंगे छोड़ने, अभी दीदी तैयार हो रही है, काफी क्यूट लग रही है ना देखिए। देखिए फ्रेंड्स भांजी क्या कर रही है। क्या हो रहा है ये काजल, ये देखो। और काजल एक पणकिया लेके आ रही है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ना कपड़े पहना देते हैं, फिर देखो ये देखो सारा ये लेते सूजी से। हाँ मानसी उस टाइम से कह रही है हम धो लो हम धो लो। मानसी ऐसे बोल रही है, माँ ये बेबी क्या हो गया। इधर है खड़ी, देखो हेलो बेटा, बोलो हेलो, हेलो हेलो, बोलो कि बोलो कैसे हैं, कैसे हैं नहीं कैसे हैं। तो फ्रेंड इसमें मैं सारा पकवान और कपड़ा वगैरह पैक कर दी हूँ, और अभी दीदी जा रहे हैं, सब लोग शाम हो गए इसलिए अनुज बाबू भी जा रहे हैं, और इधर रेडी है सब लोग जाएंगे अभी। हाँ तो फ्रेंड अभी गाड़ी पर बैठ गए हैं सब लोग, ना हम लाइट ना जलाएंगे, हम लाइट नहीं जलाएंगे दोस्तों को डर लगता है, सारे लोग जा रहे हैं तो जल्दी जाइए आराम से आना है, इसलिए अनुज को ले जा रहा हूँ अकेला पड़ जाऊंगा, उधर खरहटिया है बहुत ज्यादा डरता हूँ मैं। तो जाइए आप लोग जल्दी आना, चलिए। फ्रेंड्स अभी रात का 10 बज रहा है और अभी मैं दीदी को छोड़ के घर पे आया हूँ, बहुत दूर है ना इसलिए, और रास्ता भी थोड़ा ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो अभी अभी आया हूँ। काजल इतना नींद में थी कि मैं हॉर्न मार मार के एकदम से थक चुका था, लास्ट में उतर के जाके फिर कूलर के पास से खूब तेज से आवाज़ लगाए तब जाके जगी है देखो। तो चलिए अब सुबह मिलते हैं, अभी के लिए गुड नाइट। तो हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और ये है नेक्स्ट डे, एंड आप सभी को दिल से गुड मॉर्निंग। काजल का भी तबीयत सही नहीं है, इसका पता ना पेट ऐसा लग रहा है फुला हुआ है, ऐसे लग रहा है अब उल्टी हो जाएगा, अब उल्टी ही आएगी। रुको बेटा, तो यही प्रॉब्लम हो रहा है क्या, देखो मानसी कैसे रो रही है, फोन करिए इधर, देखो उधर देखो, फोन क्यों नहीं रो रही है। तो चलिए आप सब यहाँ तक हमारी वीडियो को देखे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अभी जा रहा हूँ काजल के लिए कुछ दवाइयाँ लाने, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले जाएंगे, बाय बाय।